ये देखो यहाँ से पहाड़ियाँ नजर आ रही है और हम ये बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। जो भी यहाँ मन्नतें मांगी जाती है वो सभी पूरी होती है। और हम अब यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से अब चढ़ाई शुरू हो रही है। और चढ़ाई में मेरा सांस भी फूलता है, इसका मतलब मैं पहले पहले धीरे धीरे चलती हूँ। चलो जी ऊपर शुरू करते हैं चलना, और धीरे धीरे मैं ही चलती हूँ आगे क्योंकि मैं ही सबसे स्लो चलती हूँ और चला नहीं जाता। अभी 2-3 स्टेप में ही ना मेरा सांस फूलने लग गया। ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी चलती रहूँगी ना तो मोटापा भी कम हो जाएगा। अरे यहाँ से अब थोड़ी सी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी और सीढ़ियाँ भी नहीं है। देखो आ रहे हैं पीछे से, आज यहाँ रश कम है। संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है, फिर यहाँ लंगर भी लगता है। यहाँ बिल्कुल सीधी सीधी बिल्कुल पहाड़ी होती है सीधी। ये ओह माय गॉड, ये सामने का देखो जंगल, ये जंगलों के बीच में है वैसे। और ऊपर टॉप पे जाना है, वो देखो सारा व्यू मैं आपको पहाड़ियों का दिखा रही हूँ। बोलूं के सांस लूं, हाय हाय। थोड़ा सा है अब तो, फिर भी रास्ता बन गया है अच्छा। लेकिन जब मैं कॉलेज टाइम में आई थी ना यहाँ, तो बिल्कुल जंगल का रास्ता था। और जहाँ सड़क से गाड़ी स्टार्ट हुई है और वहाँ से पैदल चलना होता था और रास्ता भी नहीं था कच्चा। अब तो ये है कि मैं तो फिर भी चल रही हूँ, वो लोग देखो कैसे बैठ गए, क्योंकि हम लोगों को आदत ही नहीं रही चलने की। क्यों, हम बहुत कम आते हैं हिमाचल। और मैं तो चल ही रही हूँ ना, अगर मैं बैठ गई फिर तो मैं से उठा ही नहीं जाता। अब बस थोड़ा सा और रह गया। लोग हमें कह रहे थे, हम पूछ रहे थे कि गाड़ी चली जाती है मंदिर तक, तो वो कह रहे थोड़ा सा ही है, 5 मिनट का रास्ता है, आप 5 मिनट में पहुंच जाओगे। रास्ता तो भले ही 5 मिनट का है पर सांस 50 मीटर का निकल गया। हाय रब्बा, ओहो। पर ये है कि अभी देखो स्टार्ट हो गई मंदिर की सराहें यहाँ से, अब आ ही जाएगा। बैठना नहीं होता बेटे, फिर बैठ के ज़्यादा थकावट होती, चलते रहो तो कम। मैं मणिमहेश गई थी और उस टाइम यंग एज थी तो चल भी गई थी, है ना। अमरनाथ गई थी तब भी चल पड़ी थी, और अब तो नहीं, अब तो नहीं जा पाएंगे। हे भगवान जी, अब तो मेरा भी दम खत्म हो रहा है। हाय माय गॉड, अब हम देखो बहुत ओ सड़क से ऊपर हाइट में आ गए और मेरा मुंह लाल हो गया। ओए माँ,
दिल धड़क धड़क कर रहा बड़े जोर से आ रही है ये। ओ वीडियो शूट करने बेटे सौखे पे खांदी पींदी संग ना करी चढ़दी चढ़ाई सानू तंग ना करी खांदी पींदी संग ना करी जाते हो तो फिसलेंगे ना चढ़दी चढ़ाई सानू जाते टाइम नहीं होता बेटे कुछ नहीं इतना जाते टाइम कुछ नहीं होना जाते हम तो पांच मिनट में पहुंच जाना तुमने आए बस अब आ ही गए हैं बस ये देखो अरे रब्बा मेन सीढ़ियां शुरू हो गई मेरी टांगों में जान खत्म अब तो चक्कर यार जय बाबा जी रक्षा करना आए शूज उतार दो यहाँ पे ना पानी तो मैं मत्था टेक के पीऊंगी चल दे दे सॉक्स यहाँ पे ये भी गर्म है बहुत सॉक्स उतार देना हैंड वॉश कर लेना फिर नीचे सॉक्स उतार के ये बड़ी अब अच्छी बात है कि बड़ा पीसफुल ये हम बाबा जी के स्थान पर आए हैं ये देखो जय बाबा जी मेरी चुन्नी इसको पकड़ाई थी मैंने बापू को चुन्नी लिया बेटे सिर पे चुन्नी लेनी होती बेटे तुम भी लो ये लो रुमाल लो चलो जय बाबा जी ओ मंदिर ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जय बाबे जय बाबा जी जय बाबा जी चलो जी बाबा जी लाया होया लॉक इत्थे करो हुण मजे कोई बात नहीं देख लेंगे हाय मम्मी ओ हुण चिंडी वाला मंदिर नहीं है जेड़ा दरवाजा खुल जाएगा लॉक लग गया बड़ा हाय चल चल उठ उठ कुछ नहीं हुआ उठ जा जय हो बाबा जी इन्ने दर्शन बहुत है नीचे इन्ना बड़ा लॉक लगा है मंदिर में बाबा जी की मर्जी होगी तो कोई आ जाएगा दर्शन करा देगा नहीं तो बाबा जी यहीं से मत्था टेक देते जय ये देखो अगर सच्चे दिल से आओ ना तो कोई ये देखो राजे खुल जाते हैं अपने आप ये देखो ये देखो बाबा जी ने हमारे लिए कबाड़ खोल दिया और मुझे था कि अब मंदिर हमें बंद ही मिलेगा और हम दर्शनों के बिना ही जाओगे और मुझे ऐसा कभी नहीं होता कि मैं किसी मंदिर जाऊं और मुझे वहां के दरवाजे ना खुले और ये अब की बात नहीं है ये बहुत समय से ना मेरे साथ ऐसा ही होता रहा मैं दो तीन बार लॉकडाउन में गई एक जगह में गई ना खुल गया मुझे पता है आ रही हूँ मैं एक जगह में गई ना
तो वहाँ कोरोना करके ना कोई किसी का प्रसाद नहीं ले रहा था, और न्यू ईयर था, और न्यू ईयर को मैं ना हमेशा ही प्रसाद चढ़ाती हूँ जैसे ना, तो मुझे होता है कि मैं प्रसाद चढ़ाऊँ। तो मैंने कहा अब कोरोना है, ये प्रसाद ले भी नहीं रहे हैं ना, तो फिर मैं खड़ी रही, माता को बोलती रही, माँ मैंने इतनी अच्छी से तुझे गजरेला बनाया और लेता नहीं, और अंदर से पुजारी ने एकदम इतना हाथ निकाला ना आके, और उसी ने मैं इतनी जनता थी वैसे, पर प्रसाद नहीं किसी का ले रहे थे ना, किसी को लेके जाने दे रहे थे, मेरा ना किसी ने चेक किया और ना वास्ता, और मेरा प्रसाद वहाँ लिया जैसे कि महारानी ने खुद ही मांगा, और उसने मेरा पूरा प्रसाद खाली किया अंदर, और थोड़ा सा वहाँ से अपना, और साथ में गुलाब के फूल दे दिए। तो ये सच्ची श्रद्धा बहुत सी जगह मैंने देखी है। देखो हमारे लिए मंदिर खुल गया, तो मेरे लिए चुन्नी दे, मैं सिर पे लेनी है, और ये देखो आपको सारा मंदिर मैं दिखाती हूँ। तो ये यहाँ बहुत बड़ा वो है बाबा जी का, और यहाँ चौकी भरती है, और ये ग्रिल है, और यहाँ सारे दुखियों के संकट काटे जाते हैं बहुत, ये जितना भी पीछे तक पंडाल है यहाँ सारा भर जाता है संगत से, और यहाँ लोगों के दुख काटे जाते हैं। और यहाँ पे देखो आप, देखो देखो ये देखो ये देखो, ये बाबा जी की गद्दी है, सच्ची सुच्ची गद्दी है, सच्ची सुच्ची जो होता है भूत, सच्ची सच्ची मेरे को कंपनी छूट रही पीछे लो, कंपन सारा शेर लंदर लंदर ना। ये देखो अब हम वापस चले, अब सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, और बड़ी जल्दी और बड़े बढ़िया 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 दर्शन हो गए, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मुझे बहुत खुशी होती है जब बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है। अब हम ये देखो वापस जा रहे हैं घर, और ये सारे अपने शूज डाल रहे हैं, ये देखो सारा ये मंदिर का व्यू है, यहाँ लंगर वगैरह लगता है, और ये सारा जंगल आसपास सारे में जंगल, और अब हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं, और मैं सबसे पहले उतर रही हूँ, क्यों फिर मैं सबसे पीछे रह जाती हूँ। और ये सब आ रहे हैं शूज़ डाल के, मैंने तो चप्पल डाल ली हुई है, और मैं जल्दी से उतर रही हूँ, मुझे लगता मेरा तो उतराई में भी सांस चढ़ेगा। अगर ऐसा हम वीक लिया 10 days बस के बाद भी किया करें ना ऐसा विजिट मंदिरों में, तो मुझे लगता थोड़ा थोड़ा जल्दी वेट कम हो जाएगा। ये तो मैंने अभी बहुत कम कर लिया, लेकिन मुझे बैठना पड़ता है थोड़ा साधना में ना, उस करके मेरा ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। अब उतराई में भी ऐसे होता है ना कि उस फिर नॉन स्टॉप चलते, और टांगे हैं काम फ्री है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि प्रेम करते हैं दिल से लोग, वॉच करना चाहते हैं। देखो कई तो फॉर्मेलिटी का भी चलो होता है, लेकिन जो दिल से वॉच करते हैं ना, वो कभी ये नहीं सोचते कि हमारा ये हो रहा है या डाटा वो हो रहा है। जिन्होंने देखना ना, उन्होंने स्पेशली देखना ही है, चाहे वो एक दिन छोड़ के देख लेंगे, जब देखना जब देख लेंगे। और सभी को जय माता दी। देखो मेरे बच्चे भी लग गए, अब मैं तो चली थी, अभी अभी ट्रेंड हो रहे, आगे भी चैनल बनाएंगे। तो बस ये थोड़ा सा माता रानी की कृपा है, और कुछ डालने लायक है YouTube में कि जिससे होता है कि चलो लोगों के लिए मोटिवेशन
होए। देखो कई लोग नहीं इस चीज़ को मानते भी नहीं है, विश्वास भी नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना भी लेती हूँ, और क्योंकि मैं अपनी बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये सब भुगता है और मैं जानती हूँ इन चीज़ों को कि इन चीज़ों में पावर होती है, और मैं जानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में कितना कितनी पावर है और कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो इसलिए मैं तो देखो मेरी तो पूरी फैमिली है, मेरे तो जो नियर डियर हैं, जो मुझसे जुड़े हैं और जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं ना, वो तो आंखें बंद करके विश्वास करते हैं ना। बाकी दुनिया है, दुनिया को तो हम सेटिस्फाइड कर भी नहीं सकते हैं। अब कई लोग सब कुछ देख भी लेते हैं, सब कुछ जान भी लेते हैं, जानते भी हैं कि हाँ कृपा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुंह फेरते हैं। तो ये उनकी वो होती है कि ये उनकी वो अपनी अपनी समझ होती है, क्योंकि संसार में ना सभी लोग अपने अपने माइंड के हैं, ठीक है। तो इस करके अब हम अपने गाड़ी के पास पहुँच गए हैं, और जल्दी मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं पहुंचने वाली हूँ बिल्कुल। अब चढ़ाई में जाते हुए तो सांस फूलता है, आते में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन टांगे बड़ी जोर से कांप रही है,